अपनी जिंदगी में तो हम कई सारे डिसीजंस लेते रहते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम जब अतीत में मुड़कर देखते हैं तो काफी फक्र महसूस होता है। कुछ इसी तरह का फीलिंग आता है जब हम सोचते हैं हमारे हम्पी ट्रिप के बारे में। हम्पी पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है हुबली एयरपोर्ट, जो कि अराउंड 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। लेकिन द बेस्ट ऑप्शन टू रीच हम्पी इज थ्रू होस्पेट रेलवे स्टेशन। हमारा ट्रेन जर्नी काफ़ी अच्छा रहा और जैसे ही हम होस्पेट रेलवे स्टेशन पहुंचे, हमें ऐसा लगा कि विजयनगर एम्पायर हमारा स्वागत कर रहा है। और वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ स्टेइंग इन होस्पेट इज ये काफ़ी टाउन एरिया है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिसॉर्ट्स और होटल्स मिल जाते हैं। अनलाइक कमलापुर ऑप्शन जो कि हम्पी से काफ़ी पास में है, वहाँ पे आपको होम स्टेज वगैरह काफ़ी बड़े होटल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यू विल स्टिल मैनेज टू गेट सम अकोमोडेशन ओवर देयर। फॉर द नेक्स्ट 4 नाइट्स हमारा अकोमोडेशन होस्पेट के मल्लगी होटल में था, जो कि रेलवे स्टेशन से काफ़ी पास में है। लोकल साइट सीइंग के लिए आपको कई सारी ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि आप कैब बुक कर सकते हैं, रेंटेड बाइक्स भी हायर कर सकते हैं, और द मोस्ट फेमस ऑप्शन दैट वी सॉ अमंगस्ट टूरिस्ट वाज एन ऑटो रिक्शा। हम्पी में वैसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन इनमें से कई सारे मॉन्यूमेंट्स आज के डेट में रुइंस बन चुके हैं। हम्पी अगर आपको सही से एक्सप्लोर करना है तो आपको यहाँ पर कम से कम 3 दिन बिताने होंगे। हमारे इस वीडियो में हम आपको 3 दिनों का आइटनरी बताएंगे, जो कि एक फैमिली के लिए परफेक्ट है। हम्पी घूमने के लिए हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और हमारे day 1 की शुरुआत हुई थी विरूपक्षा टेम्पल से। विरूपक्ष टेम्पल विरूपक्ष भगवान, जो कि शिव के अवतार माने जाते हैं, उनके लिए समर्पित है। आप यहाँ पर द्रविड़ियन आर्किटेक्चर को देख सकते हैं। मंदिर बड़ा ही विशाल है। विरूपक्ष टेम्पल के प्रीमाइसेस में काफी सालों से एक हथिनी रहती है जिसका नाम लक्ष्मी है। आप इसे बनानास तो खिला ही सकते हो और साथ ही साथ इसका आशीर्वाद भी पा सकते हो। जब हम यहाँ पर पहुंचे तब लक्ष्मी किसी प्रोग्राम की तैयारी में थी और सज धज रही थी। विरूपक्षा टेम्पल से बाहर आते ही हमने हेमकुट्टा हिल्स की तरफ रुख किया। हेमकुट्टा हिल्स इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन हम्पी फॉर सनसेट्स। पर हम लोग यहाँ पर दोपहर के समय आए थे, तो हमने बस हिल को अच्छी तरह से क्लाइंब किया और आजू बाजू के रुइंस हमने एक्सप्लोर किए और नीचे जो मॉन्यूमेंट्स थे वो एक्सप्लोर करना ठीक समझा। इन्हीं मॉन्यूमेंट्स में से सबसे पहले हमने विजिट किया ससिवे कालू गणेश, जो कि गणेशा की एक 3 मीटर्स ऊंची बहुत ही सुंदर और विशाल मूर्ति थी। एक और गणेश मूर्ति हमने देखी जो इससे भी काफी बड़ी थी। इसमें गणेश का स्टैचू है, उसका नाम कडले कालू गणेश बोलता है। एक ही स्टैचू में श्री कृष्ण देवराय का 21 फीट का गणेश का मूर्ति निकला है हाथ से, इसको कडले काल गणेश बोलते हैं।
हम्पी में ऐसा गणपति दो है, एक है ना ये बड़ा गणपति है, 18 सातवें काल, नेक्स्ट ईयर सातवें काल। सेम है ना? ओके। यहाँ से थोड़ी ही डिस्टेंस दूर हम पहुंचे गोपुरा कृष्णा टेम्पल। ये टेम्पल बहुत ही ज्यादा सुंदर था। अभी हम कृष्णा बाजार आए हैं। ये कृष्णा बाजार है और इसी के अपोजिट कृष्णा टेम्पल है। ये रहा कृष्णा टेम्पल। हम रास्ते पर अगले मॉन्यूमेंट की तरफ चल ही रहे थे कि हमारा ध्यान आकर्षित किया इस लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल ने। नरसिम्हा इज द फोर्थ इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। द फेस टू हैज बीन डैमेज्ड which misled people into believing that it was the Ugra Narasimha, ferocious Narasimha. लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल की कहानी तो काफी रोचक है, मगर आज की डेट में ये एक हॉटस्पॉट बन चुका है सेल्फीज और फोटोग्राफी के लिए। लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल के नॉर्थ में स्थित बड़ेविलिंगा टेम्पल को भी हमने विजिट किया। यहाँ पर आप एक ह्यूज मोनोलिथिक शिवलिंगा को देख सकते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा एक ब्रेक लिया और लोकल आर्टवर्क को एक्सप्लोर किया। अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल को विजिट करने का एक अलग ही एहसास था। मंदिर को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि यह काफी प्राचीन है। इसके बाद हमने इस ओपन एयर म्यूजियम को विजिट किया। हम्पी में मिले कई सारे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर प्रवेश निशुल्क है। यहाँ पर आप हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजियस स्टैचूज को देख सकते हैं। हजारा रामचंद्र टेम्पल इज वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स। ये लगभग 14th और 15th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। टेम्पल के वॉल कार्विंग्स में आप रामायण की झलक देख सकते हैं। कई सारे जो स्टैचूज हैं, उनमें आप राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमाना की गाथा देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट माइंड ब्लोइंग आर्टवर्क। इसी मंदिर के बाहर हमने पान सुपारी बाजार को भी देखा। अगर साथ में बच्चे हैं तो हम्पी जू तो आना बनता है। अगर आपको यहाँ पर टाइम स्पेंड करना है तो आप लगभग 2.5 घंटे का टाइम लेकर चल सकते हैं। एंट्री फीस 200 रुपीज पर अडल्ट है और 100 रुपीज पर चाइल्ड है। हम्पी जू विजिट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट हाफ है वो एक सफारी है, जो कि आपको एक बस में बिठाया जाएगा और आपको लायन और टाइगर की सैर कराएंगे। तो लायन एंड टाइगर तो हमें काफ़ी सारे दिखे और काफ़ी क्लोज दिखे और बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। और जो सेकंड हाफ है, आपको इस बस से उतारेंगे और आपको खुद वॉक करके जू को विजिट करना है। सफारी खत्म होते ही हमने जू की तरफ वॉक करना शुरू कर दिया। और ये क्या, सामने इतना बड़ा बर्ड! इस इमो को देखकर तो बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। उसी के बाद ऑस्ट्रिच भी नजर आ गया। इतना बड़ा बर्ड देखकर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और कौन जानता था कि इस मंकी को मक्का का रेडिएटा कहते हैं।
स्लॉथ बियर की फाइट देखकर तो भाई मजा आ गया। इसके बाद हमने पिंजड़े में कैद इस इंडियन लेपर्ड और टाइगर को देखा। इस पैरट ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ये क्रोकोडाइल तो बस निगलने के लिए हरदम तैयार ही बैठा था, बिल्कुल हमारी तरह। जिराफ चाचा तो बड़े ही भाव खा रहे थे, जरा भी कैमरे की तरफ मुड़कर देखा नहीं इन्होंने। और इस हिप्पो ने तो बड़ी गंद मचा दी थी। भाई हम्पी जू में तो 2-3 घंटे कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इसके बाद हम पहुंचे क्वींस बाद, जहां पे रानियों का स्नान ग्रह हुआ करता था। Built by Vijayanagar King Krishnadevaraya, Queen Memorial. This is the Queen's Bath. Where is the bath taking place? No, this is the swimming pool. Oh. This is the swimming pool for the Queen. यहीं से गुजरते हुए हम पहुंचे रॉयल एनक्लोजर में। आज तक इस जगह को मैंने बस वीडियोस में देखा था और आज यहां पर खुद आकर बड़ी ही खुशी महसूस हो रही थी। काले पत्थर वाली इस पुष्करणी ने हमारा ध्यान खींच लिया। पुष्करणी यानी कि स्टेपवेल, ये काफी पुरानी वास्तु है। इस पुष्करणी को बनाने के लिए लगने वाला ये काला पत्थर शायद कहीं और से लाया गया हो, क्योंकि इस तरह के पत्थर यहां पर नजर नहीं आते। रॉयल एनक्लोजर में स्थित यह सीक्रेट चेंबर वही जगह है जहां पर कैदियों को बंधक बनाए रखा जाता था। हमारे हम्पी डे वन का आखिरी पड़ाव था मातंग हिल। जी हाँ, ये वही हिल है जहाँ पर रामायण के सुग्रीव रहा करते थे। राइट नाउ वी आर क्लाइंबिंग द मातंग हिल। यहाँ से काफ़ी ऊंचा माउंटेन है ये, और यहाँ से काफ़ी अच्छा सनसेट दिखेगा ऐसी उम्मीद हम करके जा रहे हैं। ऊपर काफ़ी रॉकी माउंटेन दिख रहा है, एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट इज़ विरूपक्ष टेम्पल, जहाँ पर हम लोग सनसेट देखने के बाद में वापस आने वाले हैं। विरूपक्ष टेम्पल के बाजू में काफ़ी सारे शॉप्स नज़र आ रहे हैं, और वहाँ से हम लोग कुछ शॉपिंग भी करेंगे शाम को। दिस इज अराउंड 350 स्टेप्स वी हैव टू क्लाइंब। इस तरह के स्टेप्स हैं यहाँ पर। इस मोनोलिथिक बुल के दर्शन कर हमने उसी छोर से मातंग हिल की चढ़ाई शुरू कर दी। लुक एट दैट, व्हाट ए मार्वेलस व्यू। चढ़ाई तो शुरुआत में आसान नजर आ रही थी, मगर ऊपर पहुंचते पहुंचते हमारे पसीने छूट गए। मगर वो आनंद ही क्या जो आसानी से मिले। मातंग हिल पर ऊपर पहुंचने के बाद हमने हेमकुटा हिल्स और विरूपक्ष टेंपल का एक अद्भुत नजारा देखा। बड़ा ही सुकून का एहसास था ये। ऐसे लग रहा था कि जैसे सारे दुख सारे दर्द अचानक गायब हो चुके हैं। Our day 2 started with an early morning visit to the Vijaya Vittala temple.
ये वही टेम्पल है जहाँ पर आप स्टोन शैरियट को भी देख सकते हैं। हाँ, वही स्टोन शैरियट जो कि आपके 50 रुपी नोट के पीछे आता है। There are no words to describe the Vijayavatthala temple. This entire temple is surrounded by mountains. In fact, these are piles of huge rocks, as you can see over there. This makes me feel like Ramayana was real and Hanumana was born over here. These rocks might be some mystery which we are unable to explain in this time. And behind me you can see the chariot, which is the monument that you find on a 50 rupee note. You know what's the best part of visiting the Vijayavatthala temple? It's the walk. जी हाँ, आपकी जो भी प्राइवेट व्हीकल है, ऑटो रिक्शा है, आप यहीं पे छोड़ दीजिए और दे वोंट अलाउ यू टू टेक दैट बियॉन्ड दिस पॉइंट। और यहाँ पर आप इधर यू कैन हायर दिस सस्ता वाला ईवी व्हीकल या फिर यू कैन प्रिफर टू वॉक। वी वुड रिकमेंड यू टू वॉक द फर्स्ट टाइम बिकॉज आप आते वक्त इस ईवी व्हीकल से आ सकते हैं, क्योंकि आपको रास्ते में काफ़ी सारे मंडपा दिखेंगे जो आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप बग्गी से जाते हैं तो ये सब मिस कर देंगे। और एक हमने पुष्करणी भी देखी ऑन द वे जो कि काफ़ी एंशंट थी एंड इट हैज सम हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एज वेल। विजय विठला टेम्पल विजिट करने के लिए आपसे 40 रुपीस की फीस ली जाएगी जो कि आप मल्टीपल मॉन्यूमेंट्स पे यूज कर सकते हैं। आगे जाके आप एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है वहाँ पे भी ये टिकट दिखा सकते हैं। सो इट्स जस्ट अ नॉमिनल फीस दैट द गवर्नमेंट इज चार्जिंग। ऑल्दो इस मंदिर का नाम विजय विठला टेम्पल है, यहाँ पर कोई विठल की मूर्ति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की विठल मूर्ति महाराष्ट्र पंढरपुर के विठल टेम्पल में स्थापित की गई है। विठल टेम्पल के बाहर आप इस राजतुला को देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा यहाँ पर दान धर्म किया करते थे। एक बार जिसने इस मंदिर को विजिट किया वो शायद ही इसे कभी भूल पाए। आते वक्त हमने इस बग्गी का सहारा लिया क्योंकि धूप थोड़ी ज्यादा हो रही थी। आते समय हमने कमलापुरा के आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम को भी विजिट किया। हम्पी वैली को दर्शाता ये मॉडल काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। यहाँ पर आप तुंगभद्रा नदी को देख सकते हैं और साथ ही साथ इसके बगल में बसे विरूपक्षा टेम्पल, मातंग हिल और अदर मॉन्यूमेंट्स को देख सकते हैं। इस आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम में आप पेंटिंग्स और एक्सकैवेटेड आर्टिफैक्ट्स को देख सकते हैं। रास्ते से गुजरते हुए हमने चंद्रशेखरा टेम्पल, जनाना एनक्लोजर और आसपास के रूइंस को भी एक्सप्लोर किया। लोटस महल और एलिफेंट स्टेबल एक वेल मेंटेन्ड मॉन्यूमेंट्स नजर आ रहे थे। हम्पी के सारे मॉन्यूमेंट्स विजिट करने के बाद एक लेजी कोरैकल राइड एक शानदार एक्सपीरियंस है। जो है स्कल्पचर टेम्पल वो है और विठला टेम्पल बिना स्कल्पचर लेकिन चैरियट कॉलम्स है ना, म्यूजिकल कॉलम्स।
इसीलिए वो फेमस है। विरूपाक्ष टेम्पल अभी भी एक्टिव है। इधर ही पैदा हुआ वो लक्ष्मी एलिफेंट। हम्पी में तो वैसे कोरैकल राइड्स कई जगह पर होते हैं, बट दिस लोकेशन इज द बेस्ट क्योंकि ये नज़ारे आपको और कहीं नहीं दिखेंगे। इन दिस हाउ मेनी पीपल कैन अकोमोडेट? सर, इट इज इफ यू आर वन फैमिली लाइक सिक्स पीपल दे आर गोइंग टू टेक। विरूपक्षा टेम्पल और मोनोलिथिक बुल से होते हुए आप रिवर की तरफ इस लोकेशन तक आ सकते हैं। इस बैलेंसिंग रॉक को तो दुनिया का आठवां अजूबा घोषित कर देना चाहिए। सुकून इस शब्द की अगर कोई परिभाषा है तो ये है। डे थ्री को हम तुंगभद्रा नदी के उस पार चले गए। ये वही नगरी है जिसे रामायण में किष्किंधा कहते हैं। किष्किंधा कांड अपने रामायण में यह सुना होगा। इसकी शुरुआत होती है अंजनाद्री हिल से। ऐसा माना जाता है कि अंजनाद्री हिल पर भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस हिल को हमने कल विजय विठला टेम्पल से देखा था। जय श्री राम। ये पहाड़ सब रॉकी माउंटेन से बना हुआ है। बड़े बड़े पत्थरों के ढेर से बना हुआ यह पहाड़ चढ़ते हुए लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े छोटे बूढ़े सभी इसमें शामिल थे। ऊपर चलने के बाद हनुमान जी का एक मंदिर था और यहाँ से व्यू काफी अद्भुत नजर आ रहा था। अंजनाद्री हिल की चढ़ाई करने के बाद और साक्षात हनुमान जी को मिलने के बाद हम सनापुर आए। सनापुर इज अ नेचर साइड ऑफ हम्पी। यहाँ पर भी आप कोरैकल राइड्स कर सकते हैं। यहाँ पर एक लेक है और एक डैम भी है जहाँ पे हमने काफी समय बिताया। It's 12:23 PM and we have reached the Sanapur Lake. और कोरैकल राइड यहाँ पे 150 रुपए की थी जो कि बाकी जगह पे 500 रुपए ले रहे थे। और पास ही में यहाँ पर हिप्पी आइलैंड भी है जहाँ पे अगर आप चाहो तो विजिट कर सकते हैं। एक नॉर्थ इंडियन लंच के बाद हम पहुँचे शबरी की गुफा में। ऐसे लग रहा था कि हम सच में रामायण के युग में चले गए हैं। The place where I'm standing right now is the Shabri Cave और इसकी बाजू में ही लक्ष्मी टेम्पल है। और ये जो रिजर्वर दिख रहा है यहाँ पे, ये टोटली अभी रिकन्स्ट्रक्ट किया हुआ है। एंड देर आर सम पिलर्स दैट आर ऑफ एंशंट एज, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस टेम्पल इज रिस्टोर्ड।
उसके बाद हमने एक गौशाला को भी विजिट किया। चिंतामणि टेम्पल अनेगुड़ी विलेज में एक रिवरसाइड टेम्पल को भी विजिट किया। 3 दिन तक हम्पी घूमने के बाद सारा का सारा हम्पी हमारे दिलो दिमाग में बस चुका था। ये हमें बता रहा था कि समय कितना बलवान है, राजोतख्त और इंसान की लालसाएं कितनी छोटी है। अगर हमारे इस हम्पी ट्रिप को हम एक शब्द में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो है सुकून, सुकून और सुकून। आशा करते हैं कि आपने हमारे साथ ये हम्पी ट्रिप एंजॉय की। Do not forget to like, share and subscribe to Desi Family Travelers. 1, 2, 3. We love Hampi!